चाहिए need हमको बस यूथ स्ट्रीमर से खेलना है a weapon. वैसे हमारे कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम लोग हाँ स्ट्रीमिंग देखते हैं उसका देखते थे उसका अंतर्यामी का हाँ मैं भी अंतर्यामी का ही क्योंकि देखता हाँ क्योंकि भाई भले ही भाई उसका भाई गेम इतना गेम प्ले इतना का अच्छा सीन था नहीं इट चला वाज नॉट अबाउट हिज गेम प्ले वाज इसकी उसकी माँ का कंटेंट जो चला थी ना। हाँ इसकी माँ का चला हाँ वो अलग लेवल की उसकी भाई। आवाज गाइस हम ही यार ब्रह्म है, हम ही विष्णु है, हम ही सब कुछ है, हम ही खिलाड़ा हमें है, ब्रह्म अभी ब्रह्म अभी है, खिलाना खिलाना अश्वत्थामा। अभी हमें अशोक देखना खिलाना हमारे 12 किल है, वो जीरो ग्लिच की वजह से 0 दिखा रहा है। जीरो माने खिलाड़ा पर करने पड़ी है। अरे यार मेरे सामने लग गया, रुको तेरा एक नॉक है, एक नॉक है, एक नॉक है। कोई ना मेरे को कोई टेंशन नहीं, एक नॉक है पर। एक भैया बदला लेना है। हो गया हो गया हो गया, जाओ अंदर जाओ, और कोई नहीं है। मेरी पीछे पीछे से बंदा है, पीछे से बंदा। हाँ चौथा बंदा, स्क्वाड वाइप होने वाली है। हेलो 2 नंबर 3 नंबर भाई, अरे स्क्वाड वाइप ये जरूर डालना भाई। सो गाइज यार वेलकम बैक, क्या बोलती पब्लिक, आ गए एक और गेम प्ले के साथ। और स्टार्टिंग में तो आपने देख ही लिया अंतर्यामी भाई के बारे में बातें चल रही थी, उनके गेमिंग के, उनके कमेंट्री के, तो मतलब एक मज़ा ही आ गया था। और मुझे भी मतलब ये रैंडम टीममेट्स मिले जो कि बड़े फ़ैन थे, मतलब उन लोग हमेशा देखते हैं अंतर्यामी को लाइव स्ट्रीम, और यहाँ पर बातें उन लोग यही कर रहे थे कि उन लोग की ख्वाहिश है कि किसी यूट्यूबर के साथ में या फिर किसी स्ट्रीमर के साथ वो खेल सकें। अब यार इतनी बातें हो ही गई थी तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि मतलब मेरा भी एक छोटा मोटा चैनल है जहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ गेम्स के। सो ये वीडियोस भी मैं डालूँगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी बातें चल रही थी तो मुझे लगा कि यार डालना चाहिए। और अभी अंतर्यामी भाई का मैंने नाम लिया है, बस खाली प्रे कर रहा हूँ कि भाई वो कोई स्ट्राइक वाइक ना डाल दे इसके ऊपर, नहीं डालेंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी। सो अब स्टार्ट में ही आपने देख लिया कि मतलब उनके बारे में बात करते करते मैंने एक क्लच भी कर दिया था, आई होप आपको वो क्लच पसंद आया होगा। हम यहाँ से निकल ही रहे थे उतने में पता चलता है कि एक और गाड़ी आ चुकी है, मतलब एक स्क्वाड जो है वो आ चुकी है। तो हमने फिर से गाड़ी घुमाया और अब बस खाली आप यहाँ का फाइट एंजॉय करना। अब जैसे एक बंदा नॉक होता है रश मारना तो भाई कंपलसरी। सो मैं राइट से रोटेशन लेता हूँ और मेरे बाकी टीममेट जो है वो लेफ्ट से जाते हैं, और उतने में ये देखो अब इस बंदा बंदा या बंदी जो भी है उसके साथ में गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं नॉक हो गया। तो यहाँ पे नॉक होने का एक्चुअली रीज़न ये था कि मेरा फ़ोन बहुत लैग हो रहा था, मैं रिकॉर्डिंग पता नहीं आजकल रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ तो मेरा फ़ोन बहुत ही लैग होता है। पिंग भले मेरे को 30 35 या 40 का दिखाता है बट फ़ोन बहुत लैग होता है। छोड़ो, फिर जैसे यहाँ आता हूँ टीममेट से रिवाइव लेता हूँ मैं, और रिवाइव लेने के बाद मैं घुसता हूँ यहाँ। जो बंदा नॉक था मुझे उसका किल मिलता है और यहाँ पर ऊपर 2 बंदे होते हैं, नहीं इनफैक्ट एक बंदा है शायद, हाँ एक ही बंदा होता है। और जैसे हम घुसते हैं अंदर इस बेचारे को बेरहमों की तरह मारा था हमने। अब इसका आखिरी बंदा मिलता तो नहीं, फिर हम यहाँ आते और यहाँ पे कुछ बॉट का गैंग या फिर आप बोल सकते हो कि पूरी बॉट की स्क्वाड आ जाती है। तो मैंने एक अभी मारा यहाँ पे, ये जो बंदा आता है ये बॉट था या बंदा था कंफर्म नहीं बट मुझे तो बंदे जैसा ही लगा था वो। सो उसको नॉक किया। एक और है भैया, भैया एक और है पीछे पीछे, एक और है।
और ये एक और बॉट। अब इसको ख़त्म करने के बाद मैं आता हूँ मेरे टीममेट्स के पास यहाँ पे। सो यहाँ पे जो होता है मतलब यहाँ पे एक स्क्वाड ऑलरेडी थी जिनके साथ ये लोग फाइट ले रहे थे। एक लास्ट बंदा जो बचा हुआ है जो कि वो उस घास फूस के पीछे है, भूसा घास क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे। तो अब जैसे मैं क्लोज इन करता हूँ अब भाई बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कम से कम मैंने दो या तीन बॉट तो मारे थे आराम से। सो चलो ये बंदा है, मैं प्री फायर देके क्लोज इन करता हूँ। थोड़ा आ गया है प्री फायर और ये भाई ख़त्म। सो ऐसे यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है। अब फाइनली कोचिंग की पूरी खाली हो गई थी। सो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से निकलते हैं और इधर आते हैं। यहाँ पे M249 से हमारी एक टीममेट को ऑलरेडी एक बंदे ने खा लिया। यहाँ पे दो स्क्वाड थी जो लड़ रही थी। जैसे एक बंदा नॉक होता है इस घर में रश करते हैं हम। आप ध्यान रखना एक M249 वाला भी बाकी है। नाम पढ़ा आपने? कोरोना। सो ये डुओ ख़त्म। अब बचा है M249 वाला बंदा। तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ नीचे, मुझे मेरा टीममेट बोलता है कि बंदा राइट में। सो सबसे पहले मैं एक मॉली करता हूँ उसको डराने के लिए यहाँ पे लेफ्ट से, ताकि उसको ऐसा फील हो कि मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। फिर मैं घूम के राइट से जाता हूँ और आप देखो इसको कैसे मारते हैं। ये आपको दिखेगा कैसे खड़ा है, बैठा है। अब यहाँ पे टीममेट्स को तो थोड़ा इम्प्रेस कर ही दिया था मैंने। सो फाइनली हम यहाँ आते, ये बंदे को तो देख लिया आपने यार। इसको मार के थोड़ा बुरा लगा। आई एम नूब बेचारे का नाम था, थोड़ा बुरा लगा बट क्या करे। सो जैसे ही इसको मारते एक और स्क्वाड जो है रश कर देती है। अब सामने बंदा है, मैंने बस वेट किया था कि जैसे ही उसका डीपी रीलोड जाएगा भाई का काम ख़त्म। यहाँ पे अभी भी उसका टीममेट था जो कि ऊपर था और उतने में हमें पीछे से हिल पे से फायर आता है। और मतलब मैं सोच रहा था कि उसे मारूँ नहीं मारूँ क्योंकि जोन भी आ रहा था। और मुझे कनिश ने बोला कि भाई जोन आ रहा है, बहुत खाएगा, जोन में जाओ। और इस बार मैं जोन से मरना नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने गाड़ी उठाई और सीधा जोन में, क्योंकि यार जोन से नहीं मरना है मुझे, नहीं इस बार तो मरूंगा ही नहीं जोन से। मैं सीधा गाड़ी उठाया और सीधा हिल पे। अब जैसे ही यहाँ आते यार गाइस, मतलब जोन से नहीं मरूंगा लेकिन मरना तो कन्फर्म है ना। ये देखो जोन से ना मरो लेकिन आप सांप से तो ज़रूर मरोगे। काम भारी। अब आई होप आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लाइक करते हो शेयर करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।